सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में लेबनान की मैगजीन टैक्टिकल रिपोर्ट ने यह बताया है कि इजिप्ट की मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने की बात कर रही है। यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि फिलीपींस के साथ की गई ब्रह्मोस डील के बाद ये इंडिया की दूसरी मिसाइल होगी जिसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडिया की इस नई प्रलय मिसाइल की कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह और इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर जनरल मोहम्मद जाकी ने इंडिया और इजिप्ट के बीच बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच प्रलय मिसाइल की सेल के लिए लगातार बात जारी है। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इजिप्ट ने इंडिया से प्रलय मिसाइल के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT एग्रीमेंट की डिमांड भी की है, जिससे इजिप्ट इन मिसाइल का लोकल प्रोडक्शन कर सकेगा। प्रलय मिसाइल इंडिया की पहली टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और प्रलय मिसाइल का डेवलपमेंट एयर आर्म फोर्सेस की एक बड़ी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया गया है। प्रलय मिसाइल के डेवलपमेंट से पहले इन आर्म फोर्सेस के पास 700 किलोमीटर से कम रेंज के टारगेट्स यानी Agni-1 मिसाइल की रेंज से कम दूरी के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन थे। पहला ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो कि बहुत ही एक्यूरेट है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर है और इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल 300 से 700 किलोमीटर तक के बीच के टारगेट्स को हिट नहीं कर सकती है। इंडियन आर्म फोर्सेस का दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल का वेरिएंट की रेंज 350 से 500 किलोमीटर तक होती है और ये भी काफी एक्यूरेट है, लेकिन पृथ्वी मिसाइल एक लिक्विड फ्यूल मिसाइल है जिसके चलते इसे लॉन्च का ऑर्डर मिलने पर तुरंत लॉन्च नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन वॉर का एक्सपीरियंस ये बताता है कि किसी भी वॉर में रेडी टू फायर मिसाइल की जरूरत पड़ती है। इन सभी रीजंस के चलते ही DRDO ने नई प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया है। प्रलय मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे कन्वेंशनल वॉरहेड्स ले जाने के लिए बनाया गया है, यानी प्रलय मिसाइल कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं ले जा सकती है और इसका यूज सिर्फ एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में किया जा सकता है। प्रलय एक न्यू जनरेशन मिसाइल है और इसकी ऑफिशियल रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। प्रलय एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ऑर्डर मिलने पर तुरंत ही लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है और ये 500 किलोमीटर दूर तक के किसी भी टारगेट को 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। प्रलय मिसाइल एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह से फ्लाई नहीं करती है बल्कि क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में फ्लाई करती है, जिससे इसे एनिमी रडार्स आसानी से नहीं देख पाते हैं। प्रलय मिसाइल एनिमी की एयर डिफेंस मिसाइल को अवॉइड करने के लिए एक मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV यूज करती है, जो कि हवा के बीच में ही अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल सकती है। अपने इन यूनिक फीचर्स के चलते प्रलय मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स जैसे कि S-300 को भी डिफीट कर सकती है और S-400 के अगेंस्ट इसे अभी टेस्ट किया जाना बाकी है। प्रलय मिसाइल 350 से 700 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकती है। प्रलय मिसाइल में तीन तरह के वॉरहेड होते हैं, जिसमें नंबर 1 हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्म्ड फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, नंबर 2 पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट यानी PCB, नंबर 3 रनवे डिनाइल पेनिट्रेशन सबम्यूशन यानी RDPS वॉरहेड होते हैं। प्रलय मिसाइल को इंडियन आर्म फोर्सेस को एक फास्ट और पावरफुल स्ट्राइक वेपन देने के लिए बनाया गया है, जो कि इंडियन आर्मी के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल की जाएगी। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि दुनिया के कई एनालिस्ट प्रलय मिसाइल को चाइनीज आर्मी की नई डोंगफेंग 12 और रशियन आर्मी की 9K720 स्कंदर मिसाइल की तरह का नया टैक्टिकल मिसाइल मान रहे हैं, जो कि मॉडर्न वॉर के लिए सही है। इसीलिए अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट के चलते प्रलय मिसाइल ना सिर्फ इंडियन आर्मी की बल्कि अब इजिप्ट आर्मी की भी च्वाइस है। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रलय मिसाइल का एक्सपोर्ट ऑर्डर इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रलय मिसाइल ना सिर्फ इजिप्ट को बल्कि बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट की जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।